तो कक्षा 12वीं का जो आपका भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है गाइस, उसके ये देख सकते हो पूरे सेट आ चुके हैं हमारे पास। अब आपको क्या करना है कि देखो, ये सेट जो है हम आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं बता सकते, मतलब यूट्यूब पर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस नहीं बता सकते, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जो लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में उस पर ज्वाइन हो जाओ, और साथ ही आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। मतलब कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। रात तक या सुबह तक आपको और वीडियोस में इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन उसके पहले चैनल सब्सक्राइब करके रख लो कि चैनल कहीं खो ना जाए, ठीक है ना। अब उसके बाद जो इन क्वेश्चन जो इन सेटों में देखो, हर सेट का क्वेश्चन आ गए हमारे पास, इंग्लिश वगैरह के भी आ चुके हैं, त्रिमासिक वगैरह के, है ना। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन दिए हैं त्रिमासिक के क्वेश्चन से छांट कर, मतलब जितने भी सेट हैं, तो उन सेट से सभी सेटों से क्वेश्चन निकाल लिए हैं विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहाँ है भैया, तो सॉल्यूशन ये रहा, देखो पूरे सॉल्यूशन लिखे हुए हैं आपके, बाकायदा पूरे सॉल्यूशन लिखे हैं। तो आपको एक एक करके क्वेश्चन बताए जाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन बताए जाएंगे, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, यानी कि समविभव पृष्ठ क्या है या विशेषताएं या कुछ भी इसके करके क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी करके क्वेश्चन आ सकता है। ये बोर्ड में अभी मैं लिख के दे देता हूं, चाहे कैसा भी 101% समविभव पृष्ठ वाला त्रिमासिक में पेपर क्वेश्चन आएगा, गारंटीड हर सेट में क्वेश्चन है ये देखो, और साथ ही ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आएगा। अब इसका आंसर आप सभी को बता देते हैं यहां पर क्वेश्चन में, समविभव पृष्ठ का आंसर, इससे सही आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऑल ओवर यूट्यूब पर आप पूरी गाइडें छान लोगे सबसे इजी लैंग्वेज में, और पूरे नंबर दिलाने वाला ये क्वेश्चन आंसर है, समविभव पृष्ठ क्वेश्चन ही में आंसर है। पहले तो इसकी डेफिनेशन याद कर लो, उसके बाद हम आपको, जैसे अगर आ गया समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं तो वो भी पता होना चाहिए, गुण आ गया तो गुण तो हम बता ही रहे हैं। समविभव पृष्ठ क्या है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो, समान हो, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इस स्थिति में आवेश द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता, ठीक है। ये आप डायग्राम बना लोगे तो मतलब टीचर एकदम खुशी हो जाएगा, ठीक है। टॉपर सॉल्यूशन चैनल का नेम है, सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी से, ठीक है। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है, समान होता है, कैसा होता है, समान होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर किए गए कार्य का मान कैसा होता है, शून्य होता है। सबसे पहले एक चीज याद रख लेना, ये समान होते हैं, इनका जो इनके कार्य कैसे होते हैं, शून्य होते हैं, मतलब कोई भी कार्य है वो कैसा हो जाएगा, शून्य है। इस पृष्ठ पर खींची गई विद्युत बल रेखाएं लंबवत रेखाएं पृष्ठ के कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। डायग्राम अगर आपने समझ लिया, डायग्राम देख लिया, तो बस सब हो गया, ठीक है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद या काटते नहीं है, तो ये कभी नहीं काट रहे ना, सीधे सीधे निकल रहे, तो ये कभी एक दूसरे को काटते भी नहीं है। प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, लेकिन आप ये चार याद कर लेना बहुत इजी वाले, तो आपका बस काम बन जाएगा, इतने इजी तरीके से कोई नहीं बताएगा गाइस। तो जल्दी से फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आम क्वेश्चन नहीं है कि ऐसा सोचो कि भैया इंपॉर्टेंट टाइप का कुछ बता रहे, नहीं, ये तुम लोग कह सकते हो कि कल कुछ मिलने वाला है ना। सॉरी वॉइस के कारण वीडियो बहुत उसमें बनानी पड़ रही है, क्योंकि इतने कम टाइम में इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड हो पा रहे थे, इस वजह से वीडियो बनानी पड़ रही है ऐसी। संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है, इसका आंसर ये रहा। तो गाइज, ये जो दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन है कि संधारित्रों की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है, तो उसका आंसर ये रहा, उस मतलब प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने पर परावैद्युत में प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाने के कारण विद्युत क्षेत्र घट जाता है, जिसके फलस्वरूप प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है। ये आंसर आपको लिख देना है, पूरा मिल जाएगा आपको नंबर। और गाइज, ये मत सोचना कि भैया जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो ऐसे ही, देखो आप प्रीवियस ईयर भी उठाकर देख लोगे तो भी आपको ये क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं, है ना। और रही बात अगर इन क्वेश्चन को छोड़ने की, मतलब कि हम आपकी वीडियो का भैया विश्वास करें ही क्यों, तो देखो सबसे पहले तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि इन क्वेश्चंस को मतलब पिछले कई सालों के पेपर उठाकर देख लो, ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरी बात, अगर इन क्वेश्चन को कर लोगे तो ऐसा तो है नहीं कि कोई हमने गुनाह कर दिया है या कुछ अपराध कर दिया। एग्जाम टाइम पर वैसे भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर अभी हम कोचिंग की रफ उठाकर, कोचिंग की फेयर उठाकर या कुछ भी उठाकर बैठ जाए तो हमें पूरा शुरू से पढ़ना पड़ेगा,
तो ये तो पॉसिबल है नहीं एक दिन के अंदर कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं और उसमें हमारे बहुत सारे मार्क्स आ जाएं, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट तरीका रहता है, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, और हमारी अगर वीडियो आप देख रहे हो तो बस फ्री हो जाओ कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाला है, क्योंकि जो पिछले साल का हमारा रिकॉर्ड है करीब 10,000 प्लस बच्चों की 80-90 के लाइन में, 95 तक की लाइन में हमारे चैनल से परसेंटेज बनी है। हम आपको एक ग्राफ, एक कमेंट, एक पीडीएफ सेंड करेंगे, मतलब दिखाएंगे किसी दिन इसी चैनल पर, तो वो आप जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखो तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मोटर गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के दौरान उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती हैं। तो ये रहा पूरा इसका आंसर, ठीक है। लिख सकते हो कि जब मोटर गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टर द्वारा बैटरी से अधिक धारा ली जाती है, मतलब जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करेंगे तो जो उसका स्टार्टर होगा तो वो ज़्यादा ऊर्जा लेगा, कि मतलब और ज़्यादा जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो वो और ज़्यादा उसको ऊर्जा की ज़रूरत होगी, तो अधिक धारा ली जाती है, जिससे जो सूत्र बनता है V=E-IR के अनुसार बैटरी की प्लेटों के बीच क्या होगा, विभवांतर कम हो जाएगा और फलस्वरूप हेडलाइट कुछ मंद हो जाएंगी। होता है ना गाड़ी जब स्टार्ट करो तो ऐसा होता है, तो बस वही आपको फॉर्मूला लगा देना है, बस अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखना है, और कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, जो बुक की लैंग्वेज होती है वो वाली लैंग्वेज आपको लिखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि महा इम्पॉर्टेंट है, ये तो मतलब एक तो समयवा पृष्ठ हो गया और दूसरा हो गया ये ओम का नियम, कोई भी सेट आ जाए बच्चों, या कोई सा भी सेट आ जाए दुनिया का, ABCDEFGHIJKLMNOP, कोई सा भी सेट आ जाए, ओम का नियम समयवा पृष्ठ कन्फर्म रखे मिले हैं, प्रूफ ये रहे, ठीक है। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़ते ही रहो। तो ओम के नियम लिखिए, तो ओम का जो हमारा नियम है तो वो क्या है और वो कौन सा लिखना है, तो ओम की बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ओम का नियम भैया कौन सा लिखें, बहुत सारे ओम के नियम है, कुछ जो इजी हो और जिससे मार्क्स फुल मिलने की गारंटी ऐसी कुछ हो तो वो बताओ, तो वो ये रहा बहुत इजी लैंग्वेज में। देखो, यदि आप ताप दाब आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं, यदि ताप दाब आदि भौतिक अवस्थाएं कैसी नियत रखी जाए, तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रभावित धारा के कैसा होगा, समानुपाती होता है, जो इसका मात्रक होता है वो ओम होता है, और इसमें आप कोई सा भी सूत्र लगा सकते हो V=IR। अब गाइस तुम लोगों को एक चीज बताएं, ये तो हो गया जैसे त्रिमासिक, तुम लोगों के लिए अभी त्रिमासिक के बाद भी तुम लोगों के लिए देखो यहाँ पर अभी तुम लोगों को बताते हैं कि किस लेवल पर तुम्हारी तैयारी करने की वो चल रही है। देखो यहाँ पर अभी ये पिछले साल का वो रखा है ना, त्रिमासिक कोर्स जो पिछले साल का आया था उसमें देखो पूरे आप लोगों के ये चल रहा है, अभी ये 2023 का था, 2024 का लॉन्च करेंगे विथ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि बच्चों की 95% लाया था रियल में, है ना, और आपका ये त्रिमासिक के साथ अर्धवार्षिक का कोर्स बिल्कुल रेडी हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट और कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखना है, नहीं सॉरी एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, तो वो ये रहा सबसे इजी डेफिनेशन में आपको ये एम्पियर का परिपथीय नियम मिलेगा। तो किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा कुल धारा आई का यू नॉट गुना होता है, इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। अब ये थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कैसी भैया डेफिनेशन अजीब अजीब सी नहीं लगी, तो आपको ये इजी लगेगी, कैसे, अगर आप ये वाला सूत्र याद कर लोगे ना तो आपको ये डेफिनेशन बहुत इजी लगेगी, अगर आप इसको याद कर लिया तो आपको ये लगेगा हाँ ये तो यही था, मतलब जो हमने याद किया वो तो यही था, तो बस ये अगर ये सीख लिया तो ये बन जाएगा और ये सीख लिया तो ये बन जाएगा, तो कोई भी एक सीख लेना, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक भी नहीं सीखा, तो एक ना एक तो सीखना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीटर एंड वोल्ट मीटर में अंतर। अब देखो एम्पियर का परिपथीय नियम 100% कन्फर्म है आना, अमीटर और वोल्ट मीटर में कोई दो अंतर लिखिए, और बायो सेवर्ट का नियम ये बोर्ड में मैं गारंटी अभी लिख के ले लो 101% आने ही आने हैं ये तीन क्वेश्चन, साथ में संभव पृष्ठ वाला क्वेश्चन, ठीक है।
ये चार पांच क्वेश्चन फिक्स हैं जो कि आने ही आने हैं बोर्ड में, साथ में त्रैमासिक परीक्षा में भी, ठीक है। तो अभी से बिल्कुल लिख के रख लो, क्योंकि बोर्ड को ज्यादा टाइम नहीं है, ये एक महीना, ये महीना मैं सच बताऊं तो त्रैमासिक पेपर ही ले जाएंगे। मतलब इसमें हम कुछ तैयारी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पेपर ही पेपर देते रहेंगे, एक तरीके से कहा जाए कि पेपर ही में निकल जाएगा ये महीना, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा कुछ और आगे का टाइम है वो पेपर के रिजल्ट वगैरह में लग जाता है, तो एक तरीके से ये थोड़ा सा खराब हो जाता है कि बच्चों का यहाँ से थोड़ा बिगड़ने लगता है चीजें, ठीक है। अमीटर और वोल्ट मीटर में कोई दो अंतर लिखना है, बहुत ईजी है। तो देखो तुम लोग ये वाला आंसर याद कर सकते हो, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, कि इसकी सहायता से विद्युत परिवर्तन प्रभावित होने की धारा को मापा जा सकता है, और वोल्ट मीटर में इसकी सहायता से विद्युत परिपथ की किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में। अब इन चारों में से जो तुम लोग को ईजी लगे तो वो कर लेना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कोई दो कर लेना, ठीक है, ये ज्यादा ईजी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट, बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम अब तुम लोग ये लास्ट वाला और देख लो गाइस, तुम लोगों के लिए खासकर बहुत इजी बायो सेवर्ट नियम और फुल मार्क्स दिलाने वाला बायो सेवर्ट का नियम रेडी है ना। तो उसके लिए ये रहा तुम लोगों का बायो एंड सेवर्ट का नियम। देखो बहुत इजी वे में, सबसे इजी वे में, मतलब पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब इसमें दिया गया है, ये डायग्राम सीख लेना अच्छे से। सन 1820 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट चालक के द्वारा चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे बायो और सेवर्ट का नियम कहते हैं, ठीक है। अब बायो और सेवर्ट के नियम के अनुसार अब देखना, बहुत ईजी है, DL, DL, DB, ठीक है, उसके बाद इन्हीं के साथ सब चलता रहता है, तुम लोग इजी तरीके से समझाना पड़ेगा, ठीक है। देखो जो उनका पहला नियम था, चुंबकीय क्षेत्र DB, ये DB दिख रहा है ना ये, ठीक है, ये जो DB है ये किसके प्रोपोर्शनल है, L के, ठीक है। DB प्रोपोर्शनल किसके है, L के, ठीक है। उसके बाद अब जो तुम्हारा दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय लंबाई DL के समानुपाती होता है, अभी I के से था, I के समानुपाती होता है, तो I के से हो जाएगा DB प्रोपोर्शनल DL। उसके बाद ये हो जाएगा DB प्रोपोर्शनल ये DL, ठीक है, ये I का प्रोपोर्शनल है और ये DL का प्रोपोर्शनल है। उसके बाद तुम लोग आ जाएगा ये थर्ड वाला, चुंबकीय क्षेत्र चालक द्वारा बिंदु P के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये कहाँ से आया, तो ये जो R है ये आधा साइड इसका है, आधा साइड इसका है, मतलब इतना रेडियस इसका है, इतना रेडियस इसका है, तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना, तो ये कैसा हो जाएगा, DB प्रोपोर्शनल 1/r². अब हमारा कौन सा बचता है, हमारा देखो DL हो गया, ठीक है, DB प्रोपोर्शनल DL भी हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये I सा कुछ लिखा था, तो ये क्या है, ये धारा है, तो धारा I भी हो गई, तो है ना, DB प्रोपोर्शनल I हो गया और DB प्रोपोर्शनल DL हो गया, DB प्रोपोर्शनल 1/r² भी हो गया। अब हमारा क्या बचा, ये थीटा बचा है बस, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे अल्पांश तथा बिंदु P के मध्य बने कोण की जया के चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है, तो DB प्रोपोर्शनल साइन थीटा। अब चारों को मिला देंगे, DB प्रोपोर्शनल, फिर पहला I, फिर DL, फिर साइन थीटा बटे r², सिंपल सॉल्व हो गया, कितना ईजी था गाइज। ये क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने कर लिया तो कल फोड़ने वाले हो, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पर जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर, और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग बंद हो जाएगी, ये भी शायद हो सकता है, तो उसके लिए जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि फिर मेंबर्स फुल हो जाते हैं, क्योंकि चार ग्रुप वैसे ही फुल हो चुके हैं, ठीक है, टॉपर सॉल्यूशन के नाम से ग्रुप होगा, ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जिसने वीडियो लास्ट तक देखी है तो वो जय श्री राम जरूर लिख देना, ठीक है, और #टॉपर सॉल्यूशन लिखना, ओके, चलिए।